हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा। मैथ दोस्ती चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दैनिक जीवन में अगर मैथ से हमारी दोस्ती हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में मैथ की उपयोगिता कौन नहीं जानता है। जिनका मैथ अच्छा रहता है उनकी साइंस अच्छी हो जाती है, उनके न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए आज के क्लास में क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री के थ्योरी को समझते हुए उससे संबंधित सारे सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। मेरे साथ आप कोई पेन लेकर बैठ जाइए और मैं ही बैठकर आपको कॉपी पर ही समझाता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में बहुत सारे जगहों पर करते हैं और उससे रिलेट करके अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे यदि हम किसी बिल्डिंग को देखें या किसी ट्री को देखें या किसी पोल को देखें तो हम देखते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा हाइट का है लेकिन यदि हम जहाँ पर खड़े हों, जैसे यहाँ पर खड़े हैं, तो वहाँ से पोल का डिस्टेंस यदि मालूम है और वह एंगल जो उसके ऊपरी सिरे के साथ बन रहा है तो आसानी से उसकी हाइट निकाल सकते हैं। इसकी हाइट आसानी निकाली जा सकती है। ध्यान रहे कि पोल हमेशा ज़मीन के साथ राइट एंगल ट्रायंगल ही में रहता है। और यह भी जानना आवश्यक है कि ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही लेते हैं, दूसरे ट्रायंगल से हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। हमारे घर की सीढ़ियाँ, सारे वाल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बने होते हैं। दोस्तों हम ट्रिगोनोमेट्री के रूल को जानने से पहले यह जान लें कि ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोन का मीनिंग होता है साइड्स और मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। यदि हम इसके मीनिंग पर विचार करें तो पाते हैं कि 3 साइड्स वाले शेप केवल ट्रायंगल में ही होते हैं और ट्रायंगल में 3 एंगल ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल। तो इसलिए साइड्स और एंगल को रिलेट करके इस ब्रांच में बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस आएंगे और जिसे हम सॉल्व करना एक एक कर सीखेंगे। अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है और इसे एच से डिनोट किया जाता है। जिस साइड के साथ एक्यूट एंगल बन रहा है, अगर हम इस एक्यूट एंगल को लें तो उसका बेस, उस साइड का जो एडजेसेंट साइड होता है वह बेस कहलाता है। जैसे एंगल ए का एडजेसेंट साइड यह बेस होगा और हाइपोटेन्यूज के बाद वाला साइड जो बचा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। लेकिन यदि हम एंगल सी, इस एंगल को, इस एक्यूट एंगल को लें, क्योंकि दो एक्यूट एंगल है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इस एक्यूट एंगल को अगर लें तो इसके लिए जो एडजेसेंट साइड होगा वह बेस होगा और यह सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने है ही, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेन्यूज को ऐसे डिनोट किया जाता है, परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर इसके लिए यह हुआ तो परपेंडिकुलर पी से डिनोट किया जाता है और बेस को बी से डिनोट किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।